Hey guys, so welcome back to my channel. Take a moment and subscribe. अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो आज का मेरा ब्लॉग रहेगा मार्केट पे. अगर आपको शॉर्ट टाइम पे सब कुछ एक ही साथ चाहिए तो दिस इज अ गुड प्लेस फॉर यू गाइज. तो फॉलो मी, वी विल गो नाउ. तो ये रहा सलेक्टा मार्केट. तो अभी हम लोग चौरास्ता पे है. ये जीटी रोड सिग्नल है, चौरास्ता मोड़ जिसको बोलते हैं. तो ये उस तरफ हावड़ा से होते हुए ये बाली जाती है इस तरफ. तो हम लोग अभी सीधा जाना है. चलिए सीधा चलते हैं. यहीं से मार्केट शुरू होता है बेसिकली. तो इधर में सब चप्पल के दुकान सब देख सकते हैं इधर में. शाम को इधर और भीड़ होता है. अभी तो सुबह के 10 बजे इसलिए इतना काफ़ी है क्योंकि दुकान वगैरह अभी खुली नहीं है. ये देखिए बाटा का शोरूम, बहुत पुरानी शॉप है ये. ये देखिए, ये जो देख रहे हैं ना आप, ये SBI बैंक का ब्रांच है यहाँ पे. सलकिया ब्रांच का जो बैंक है यहीं का है. तो घड़ी की दुकान, कपड़ा वगैरह सब यहीं पे मिल जाता है. और साथ में अगर आप शादी के लिए कुछ शॉपिंग ढूंढ रहे हो बंगाली ट्रेडिशनल में, पंजाबी वगैरह, तो उसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स हैं. तो ये वाव मोमो का सेंटर भी नया खुला है, प्लस में अपोलो फार्मेसी. श्याम सुंदर काफ़ी जानी मानी दुकान है यहाँ पे. बेसिकली यहाँ पे रेमंड, श्याम सुंदर, गौरी शंकर, दी पंजाबी हॉल, ये सब यहाँ का बस फेमस दुकान है. उसके साथ साथ और भी है जो सब कुछ मिल जाएंगे आपको एक ही जगह पे. अगर आप बच्चों के लिए ढूंढ रहे हैं, बड़ों के लिए ढूंढ रहे हैं, शादी के लिए ढूंढ रहे हैं, या फिर कैजुअल वेयर में ढूंढ रहे हैं, तो सब कुछ आपको यहीं पे मिल जाएगा. देख सकते हैं आप यहाँ पे. तो इसी रोड का नाम अरविंद रोड है जो उसने वीडियो में बताया था आपको पिछले वाले व्लॉग में, सलकिया मार्केट का. ये देखिए साड़ी सदन, यहाँ भी काफ़ी अच्छी अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है. आप सोचो कैसे बता रहे हो कि मैं मम्मी के साथ आया था एक बार. तो अभी मॉर्निंग का टाइम है इसीलिए अभी दुकान सब खुली रही है. लगभग 12 बजे तक पूरा का पूरा सारा दुकान खुल जाता है यहाँ पे. तो अगर आप लोग आओ तो 12 बजे का आओ. और बृहस्पतिवार को मत आइएगा प्लीज़, क्योंकि उस दिन बंद रहता है ये खाने का दुकान यहाँ पे. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे छोटे छोटे दुकान भी है, मॉल भी है. एक अरविंद मॉल है यहाँ पे, स्टाइल बाजार है. तो ये देखिए स्टाइल बाजार, यहाँ पहले सिनेमा हॉल हुआ करता था, अब यहाँ पे स्टाइल बाजार है. तो ये सब चप्पल के दुकान हैं यहाँ पे, कम दाम ज़्यादा दाम, आप जैसे ढूंढोगे हर तरह के कपड़े मिल जाएंगे यहाँ पे आपको. वाह, तो क्रिसमस आ गया गाइस, मेरी क्रिसमस इन एडवांस आप लोग को. साल शुरू होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं यार, पता नहीं बीच के दिन कहाँ जाते हैं. मैं तो आज तक नहीं समझा इतने जल्दी साल कैसे ख़त्म हो जाते हैं. सुबह उठो, काम करो, सो जाओ, यही चलता रहता है ज़िंदगी में. और ये रहा मियोआ मोड़ो का शोरूम. तो सलकिया मार्केट के कपड़ों की दुकान ही नहीं है, सब्जी वगैरह, ग्रोसरी शॉप, मछली सब कुछ यहीं मिल जाता है. देखिए तो ये रहा वेजिटेबल्स की सेक्शन. पूरा अंदर तक उधर फैला हुआ है, इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर आप सब कुछ एक ही जगह ढूंढ रहे हो तो सलकिया मार्केट आपके लिए बेस्ट है. अगर आपके घर में ओकेशन है कोई, आपको खाने के लिए लिस्ट चाहिए, तो बस लिस्ट ले लीजिए, सामान यहाँ से ले लीजिए, सब कुछ एक साथ आपको मिल जाएगा. और इस मार्केट के अंदर ही है. चिकन और मछली का मार्केट भी इसी तरफ है. देखिए तो ये पूरा चिकन और मछली का मार्केट अंदर पूरा.
चलिए इसी के अंदर से पार होंगे हम लोग, क्योंकि इधर ग्रोसरी शॉप भी है, पूजा का सामान वगैरह भी मिल जाता है, चूड़ी का दुकान भी है, बहुत सी चीजें हैं अंदर और भी काफी। तो ये देखिए, ये रहा ग्रोसरी शॉप, यहाँ पे ग्रोसरी शॉप। यहाँ पे कोई थर्मोकोल प्लेट्स वगैरह मिल जाती है, देखिए। उस तरफ फल वगैरह मिल जाते हैं, ये रहा फल के लिए मार्केट। पूरा वहां तक फैला हुआ है फल मार्केट भी। तो हम लोग फिर वापस अंदर जाते हैं। तो ये देखिए, सब कुछ आपको मिल जाता है यहीं पे, कहीं जाने की जरूरत नहीं है बाहर। बस आप लिस्ट बनाओ क्या क्या लेना है और आ जाओ लेने के लिए। मछली, चिकन, मटन, अंडा वगैरह सब मिल जाता है, सब कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो सलकिया में ही ये मार्केट है, इसका नाम होड़ोगंज मार्केट है। तो मेन रोड में आपको कपड़े के दुकान वगैरह मिल जाते हैं, और वही होड़ोगंज में आपको सब सब्जी वगैरह सब मिल जाती है, फूल सब्जी सब कुछ मिल जाएंगे आपको यहीं पे। देखिए यहाँ पे गमला वगैरह मिल जाता है। तो ये सब शादी का सामान यहाँ पे मिल जाता है, देखिए। शगुन वगैरह देने का टाइम ये सब यूज होते हैं, ये सब पूजा के लिए सामान है। तो घूम फिर के अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ शुरू से लेकर अंत तक। तो घूम फिर के आप देखोगे तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ए टू जेड चीज आपको एक ही जगह पे। अगर आपको लेना है, अपना टाइम बचाना है और आप इस जगह पे नए हो, तो जरूर होड़ोगंज मार्केट, सलकिया मार्केट आइए, सब कुछ यहीं पे मिल जाता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो इस तरफ आपको पूजा का सामान सब मिल जाता है। चलिए इधर भी चलते हैं हम लोग, अभी भगवान के कपड़े छोटे छोटे। तो यहाँ पे सब पूजा का सामान मिलता है यहाँ पे। चलते हैं अब इसके बाहर, मैं अरविंद रोड में चलते हैं। तो गाइस, अंदर आपको अगर सब्जी या मछली, चिकन वगैरह, नॉनवेज कुछ भी लेना हो तो अंदर ये मार्केट था पूरा, वहाँ से गए थे हम लोग और यहाँ से एग्जिट निकले। तो हम लोग पीछे का स्किप कर चुके हैं, चलिए स्किप दिखाता हूँ मैं आपको पीछे में। तो पीछे में क्या है, अरविंद मॉल है, तो इसमें शायद वीडियो अलाउ नहीं है लेना, अंदर में अरविंद मॉल में। तो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, यहाँ पर ट्रेंड्स है, बाजार कोलकाता है, और पैंटालून्स है, ऊपर में खाने की, खाने का कैफेट एरिया है, और मिराज सिनेमा हॉल है। ये रहा इसका एंट्रेंस हॉल, देखिए मिराज सिनेमा हॉल का, अरविंद मॉल यही है। तो बेसिकली यही था हमारा सलकिया का पूरा। अब इसके आगे हम लोग जाएंगे तो धीरे धीरे दुकानें कम होती जाएंगी, पर है आगे और भी है। तो अभी मैं पूरा एंड तक जा रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि मुझे अभी बांधागढ़ जाना है,
तो मैंने आपको अहिटोला टू बांधाघाट का दिखाया था, अब मैं सोच रहा हूँ आपको बांधाघाट टू अहिटोला का भी दिखा दूँ। लॉन्च कैसे पकड़ते हैं, कहाँ टिकट काउंटर है, क्या है सब। तो जब आप आओ सल्किया में तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये बड़ा माँ का मंदिर है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा मंदिर, यहाँ का फेमस मंदिर यही है। जय माँ शुक्ला। तो गाइस यही था, और ये लाल वाला आपका हावड़ा ऐसी नहीं है, सल्किया ऐसी मार्केट है, हावड़ा ऐसी मार्केट कहीं और है। तो देख लीजिए यही था, हम लोग सीधा इसी के पास जाएंगे, सॉरी हम लोग सीधा आप इसी रोड से जाएंगे और बांधागढ़ पहुंच जाएंगे। तो गाइस इस सल्किया वाले वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, अगला बांधागढ़ का वीडियो मैं पार्ट टू में ले आऊँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जहाँ मैं पोस्ट करूँ। गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।